दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देवनंद अग्रवाल है। दोस्तों मैंने कई किताबों में पढ़ा हुआ है कि आप एक पॉजिटिव इंसान को कितना भी रोक लो वो कभी रुकने नहीं वाला। ठीक उसी प्रकार आप एक नेगेटिव इंसान की कितनी भी मदद करना चाहो वो आपकी कभी मदद नहीं लेगा। वैसे ही दोस्तों हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है। दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं आउटस्टैंडिंग अपनी इनकम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी आउटस्टैंडिंग सफलता हो, आउटस्टैंडिंग जिंदगी हो। तो लोग उनसे जनरली जो अचीवर होते हैं वो जनरली उनसे वो कहते हैं, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि ठीक है, सो यू हैव टू डू आउटस्टैंडिंग वर्क। तो आपको अगर आपको एक आउटस्टैंडिंग सफलता चाहिए तो आपको आउटस्टैंडिंग वर्क करना चाहिए, मतलब जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा काम। पर यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग काम करने से पहले क्या आप अपने अंदर खोज के बताओ कि क्या आप एक आउटस्टैंडिंग आदमी हो। अब आउटस्टैंडिंग काम तो आपको मिल जाएगा, पर क्या हर आदमी वो आउटस्टैंडिंग काम को सफलतापूर्वक कर पाया है? दोस्तों आपके शहर में, हर शहर में एक सराफा बाजार होता है, याद है सराफा बाजार जहाँ सोने की दुकानें होती है? तो क्या हर सोने की दुकानों में करोड़ों की डील हो रही है? नहीं नहीं दोस्तों, हर आउटस्टैंडिंग काम के पीछे एक आउटस्टैंडिंग वर्क छुपा होता है। वो एक पिक्चर देख के, कभी भी मोटिवेशन पिक्चर देख के एक इंग्लिश में कहावत याद आती है कि अगर आप सही समय पर सही जगह पहुंच जाएं, एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस, अगर आप सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाएं तो आपकी लॉटरी खुल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। पर वो बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताइए, आप सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाएं और आपको कुछ आता ना हो, आप वो काम के लायक ना हो, तो आप कुछ कर पाएंगे? नहीं ना। आपके अंदर वो आउटस्टैंडिंग चीजें होनी चाहिए, आपके अंदर आउटस्टैंडिंग वो एक मन में शक्ति पैदा होनी चाहिए कि मैं मुझे काम करना है। आपके अंदर आउटस्टैंडिंग पॉजिटिवनेस होना चाहिए, आपके अंदर आउटस्टैंडिंग हार्डवर्क होना चाहिए, आपके अंदर आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर आउटस्टैंडिंग वो छोटा सा दिल होना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर जो लोगों के लिए धड़कता। आपके अंदर आउटस्टैंडिंग जीने की आदत होनी चाहिए, आपके अंदर आउटस्टैंडिंग वो रातों में जगने की कला होनी चाहिए, आपके अंदर आउटस्टैंडिंग बिना खाए भी अपना काम को पूरा करने की आदत होनी चाहिए, आपके अंदर आउटस्टैंडिंग लोगों को सुनने की आदत होनी चाहिए, आपके अंदर आउटस्टैंडिंग चुप रहकर अपना काम करके अपने काम से लोगों को बोलने की आदत होनी चाहिए। आपके अंदर आउटस्टैंडिंग सारी चीज़ों की आदत होगी तो ही आप सही जगह पर सही टाइम पर आउटस्टैंडिंग वर्क कर पाएंगे। अगर इस कहावत को सही तरीके से कहा जाए तो एक सही आदमी एक सही जगह पर एक सही टाइम पर जब तक एक सही काम नहीं करेगा उसकी लॉटरी नहीं खुल जाएगी। दोस्तों आई होप आप मेरी बातों से सहमत हो और आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा हो। अगर आपने इस वीडियो से सीखा हो, मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंची है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सकता है अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए और इसको फैलाइए। जितना हो सकता है इस वीडियो को वायरल कीजिए। दोस्तों मेरा दिल हमेशा आपके लिए धड़कता है और यही कोशिश में रहता हूँ मैं कि कैसे भी अगर मेरे से एक भी मैं मेरे से भी एक की भी लाइफ मैं बना सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।